आज हम फिर से अनबॉक्सिंग रिव्यू करेंगे एक स्टडी लाइट की, जो कि मेरे हाथ में उसका बॉक्स देख सकते हो आप। ये जो है डिफरेंट है, इससे पहले भी मैंने जो है फिलिप्स की कर रखी है और एक टच स्टडी लाइट की मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू करी है, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी चेकअप कर सकते हो। एक जो है 800 की रेंज में और एक जो है 350 के रेंज में, तो वो आप एक बार चेकअप जरूर करना। और ये जो है 600 के रेंज में है और इसमें जो है 1200 mAh का बैटरी लगा हुआ है। तो चलिए पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इसके रिव्यू की बात करेंगे। तो चल, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पैकेज जो अमेज़न की तरफ से आया है, तो चलिए इसे खोलते हैं और निकालते हैं अपने लाइट को, स्टडी टेबल लाइट को। तो ये आप देख सकते हो इस पे जो है पेपर दिया गया है जिसमें कि शायद इंस्ट्रक्शन होगा कुछ, प्लीज़ रिमूव द इंसुलेटिंग सीट। तो इंसुलेटिंग सीट हटाने के लिए बोल रहा है और रॉक लाइट, ये सब सारी चीज़ें जो है मेंशन की गई। और अपना लाइट जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा, LED टेबल लैम्प और मोबाइल कुछ इस तरीके से जो है आप इसमें स्टैंड कर सकते हो। USB चार्जेबल है और भी कुछ फीचर्स वगैरह जो है दी गई है, काउच वगैरह जो है सारी चीज़ आप देख सकते हो कि डायरेक्ट आई पे जो है नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारी मेंशन की गई है चीज़ें और इसकी फीचर्स पीछे जो है मेंशन की गई है, पॉज करके वीडियो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे बैटरी जो है इसमें लगी हुई 1200 mAh का है, तो वो सब मेंशन किया गया। खैर, इसे हटाते हैं और निकालते हैं अपने लैंप को। तो ये यहाँ से आप खोलो इसे, और सबसे पहले तो ये चार्जिंग केबल है और काफ़ी लंबा जो है इसका वायर लग रहा है, जितना कि फ़ोन चार्जर में जो है दिया जाता है उतना बड़ा है, शायद उससे भी बड़ा हो। खैर, हम खोल के देखेंगे कितना बड़ा है ये। और ये रहा अपना मेन प्रोडक्ट जो कि है टेबल लैंप या स्टडी टेबल लाइट बोल सकते हो आप। तो और ये जो है पिछले मैंने 2 अनबॉक्सिंग करी है स्टडी टेबल लाइट की, तो उन दोनों से जो है ये अलग है और इसका लुक भी जो है डिफरेंट है दोनों से। तो लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और वाइट कलर में है, इसमें कोई कलर ऑप्शन तो नहीं था। खैर, आगे जाके हो सकता है ये लोग जो है कोई कलर ऑप्शन दे। तो ये सीधा नहीं हो रहा, अच्छा इसे हम यहाँ से जो है घुमा के सीधा करते हैं। हाँ, अब ठीक है, हो गया। और यहाँ पे जो है देख सकते हो टच के लिए जो पर यहाँ 2 बटन दिया गया है, अच्छा हम देख लेंगे यहाँ। और पीछे जो है बैटरी वगैरह मेंशन की गई है, यहाँ पे निकला हुआ। खैर, ठीक है। और यहाँ पे जो है बैटरी लगता है, तो वो जो सीट के बारे में ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया गया था वो यही सीट की येलो कलर का जो है देख सकते हो उसी की बात कर रहा था। तो इसे जो है हम निकाल देते हैं ताकि जो है ये देख सकते हो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था इसे हम निकाल देते हैं ताकि हम अपना लाइट जो है वो जला सके। तो इसमें जो है हम इसका जो है बैटरी लगा देते हैं और इस बैटरी को जो आप रिप्लेस भी कर सकते हो जब ये ख़राब हो, ऐसे इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये चार्जेबल है तो काफ़ी सही है। और कुछ इस तरीके से जो इसमें फ़ोन आप जो है स्टैंड कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन स्टडी वगैरह करते हो तो काफ़ी सही होगा। और यहाँ पे मैं आपको लाइट जला के दिखा देता हूँ कि इसका ब्राइटनेस जो है 3 डिफरेंट लेवल में, 1st, 2nd और 3rd। तो ये 3rd है और इसमें जो इसे जो आप एक नाइट लैंप की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी जो है लाइट करता है ये देख सकते हो आप। और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हो प्लास्टिक का है पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो लुक वाइज आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में। और यहाँ से जो आप किसी भी तरह से बेंड कर सकते हो, जैसे भी आपको रखना है आप पूरे तरीके से जो है बेंड कर सकते हो। और USB केबल है जिससे कि इसे आप चार्ज कर सकते हो और 12 घंटे का जो ये बैटरी बैकअप देता है तो काफ़ी सही है। इसके अलावा इसमें जो आपको टच कंट्रोल मिलता है जो कि आप ये देख सकते हो, ये देखो। तो ये जो आप एक नाइट लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जो है इसे आप नाइट लैम्प की तरह यूज़ भी कर सकते हो। खैर, बात करते हैं इसके बिल्ड की। तो ये जो है पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो है प्लास्टिक का यूज़ किया है इन्होंने। और ये इसके साथ इसमें जो अपना फ़ोन वगैरह जो है एक्सटेंड कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो। उसके अलावा इसमें जो आप बैटरी भी रिप्लेस कर सकते हो, मे बी जब ये ख़राब होगा तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हो। तो काफ़ी सही लगा इस प्राइस रेंज में मुझे। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हो। अगर आप 300 से 400 के बीच एक स्टडी लाइट ढूंढ रहे हो अच्छा सा, तो उसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने कर रखी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये स्टडी टेबल लाइट कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए।